Hello everyone, today we are going to start a chapter of science and its name is Adaptation in Animal. आज हम साइंस का एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है Adaptation in Animals. मैं ये ट्यूलिप बुक से पढ़ा रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की क्लास फाइव सेमेस्टर वन. ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की फोटोज का लिंक दे दूंगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. लाइक प्लांट एनिमल्स टू लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट एनिमल्स ऑल्सो शो सम अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स बेस्ड ऑन वेयर दे लिव. एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. मतलब क्या होता है कि लाइक प्लांट जैसे हमने इससे पहले वाले साइंस के चैप्टर में पढ़े थे अडेप्टेशन इन प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स अलग अलग जगह रहते हैं, जैसे कोई प्लांट्स प्लेन्स पर रहता है, कोई माउंटेन पर रहता है, ऐसे ही एनिमल्स भी अलग अलग जगह रहते हैं. एनिमल्स शो सम अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? अ पर्टिकुलर प्लेस इन विच एनिमल्स लिव. और अडेप्टेशन क्या होता है? चेंजेस डन बाय प्लांट्स और एनिमल्स टू सर्वाइव इन देयर पर्टिकुलर हैबिटेट. ओके, बेस्ड ऑन वेयर दे लिव एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. मतलब उनके हैबिटेट के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है फोर टाइप में. फर्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ठीक है, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. सेकेंड है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. थर्ड, एम्फीबियंस. एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, एग्जांपल क्रोकोडाइल. मतलब क्रोकोडाइल जो पानी में भी सर्वाइव कर सकता है और क्रोकोडाइल जो है वो ज़मीन पर भी सर्वाइव कर सकता है. फिर है एरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. मतलब जो एनिमल्स उड़ सकते हैं उनको एरियल एनिमल्स कहते हैं. एरियल एनिमल ज़्यादातर बर्ड्स होती है. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं. We find many animals living in water bodies such as ponds, lakes, streams and seas. Animals that live in water are called aquatic animals. We find many animals. मतलब जो animals हैं वो काफ़ी सारे animals water bodies में होते हैं. Water bodies example ponds, lakes, streams and seas. ठीक है, animals जो है animals जो पानी में रहते हैं उनको aquatic animals कहते हैं. फिर example fish, क्रैब, स्टारफिश एंड व्हेल्स. ठीक है, तो अडेप्टेशन एक्वेटिक एनिमल्स के अडेप्टेशन क्या है. मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी विच हेल्प्स देम टू मूव क्विकली एंड इजली इन वाटर. मतलब ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स की स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है. स्ट्रीमलाइंड मतलब जो है, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है बेस्ड ब्रॉड इन द मिडल एंड नैरो एट द बोट एंड्स लाइक अ बोट. मतलब बोट कैसी होती है, बोट क्या होती है, बीच से मोटी होती है, साइड से पतली होती है, तो इसी शेप को स्ट्रीमलाइन कहते हैं. और ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो वाटर में उनको क्विकली और इजिली मूव करने के लिए हेल्प करती है. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये देखें, जैसे एक बोट शेप है, वो बोट शेप जो है पानी को काटेगी. मतलब उनकी शेप जो है उनकी बॉडी पे ऐसे है, तो उनकी बॉडी में पानी लग के पीछे चला जाएगा, तो वो फटाफट क्विकली वाटर में मूव कर पाएगा. उनकी सेकंड अडेप्टेशन है डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स हैव डिफरेंट लोकोमोटर ऑर्गन्स. फिश हैव फिन्स टू हेल्प इन मूवमेंट, हाइड्रो हैव टेंटिकल्स, स्टारफिश हैव ट्यूब फीट एंड डक्स हैव वेब्ड फीट. मतलब क्या है कि डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स के पास डिफरेंट लोकोमोटर ऑर्गन्स होती है. जैसे कि फिश के पास क्या होती है, फिन्स होती है. लोकोमोटर ऑर्गन्स मतलब लोकोमोटर ऑर्गन्स होता है ऑर्गन्स दैट हेल्प एन एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोकोमोटर ऑर्गन्स की वो एनिमल कैसे मूव कर सकता है. जैसे हमारे लोकोमोटर ऑर्गन्स क्या है, लेग्स, क्योंकि हम लेग्स की मदद से मूव करते हैं. तो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग लोकोमोटर ऑर्गन्स होते हैं. फिश के फिन्स होती है. फिन्स क्या होते हैं, एक ऐसे उसके फिश में एक फिन्स होते हैं, उन फिन्स की वजह से ही वो मूव कर पाते हैं. ठीक है, हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं. हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रो भी एक एनिमल होता है, उसके टेंटिकल्स होते हैं. स्टारफिश के ट्यूब फीट होती है और डक
की वेब फीड होती है। जब मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोटोज का लिंक शेयर करूँगा तो मैं हाइड्रा, स्टारफिश और डक की वेब फीड की भी फोटो शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्या होता है कि हाइड्रा हैव टेंटिकल्स, स्टारफिश हैव ट्यूब फीड एंड डक्स हैव वेब्ड फीड, ठीक है। फिर है थर्ड है फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। मतलब जो फिश है, फिश जो है वो एक ऑर्गन से ब्रीथ करती है जिसका नाम होता है गिल्स। गिल्स की मदद से वो पानी में भी ब्रीथ कर पाती है। और व्हेल्स और डॉल्फिन जो है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। व्हेल्स और डॉल्फिन जो है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फोर्थ है द सॉफ्ट बॉडीज ऑफ फिश आर प्रोटेक्टेड बाय स्केल्स। मतलब सॉफ्ट बॉडी, मतलब फिश की एग्जांपल फिश है, मतलब देखो सॉफ्ट बॉडी, उनकी काफ़ी सॉफ्ट बॉडी होती है, उनकी काफ़ी स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। तो उनकी सॉफ्ट बॉडी जो है वो फिश की स्केल्स से प्रोटेक्टेड होती है। स्केल्स क्या होते हैं, मतलब बोन्स, एक कवर टाइप से प्रोटेक्टेड होती है। तो इससे वो, ये थी एक्वेटिक एनिमल्स की अडेप्टेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। एग्जांपल क्या है टेरेस्ट्रियल एनिमल के, लायन, टाइगर, बफेलोज, डॉग्स, कैंगूज, पोलर बियर और कैमल। एनिमल्स सच एज बफेलोज हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल्स सच एज टॉर्टोइज हैव अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड अ शेल फॉर प्रोटेक्शन। मतलब ये कह रहे हैं कि बफेलोज, जो बफेलोज होती है उनके हॉर्न्स होते हैं हेड पे, मतलब उनके सींग होते हैं हेड पे जो उनको एनिमी, अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करती है। और एनिमल जैसे कि टॉर्टोइज, टॉर्टोइज की जो है वो हार्ड कवरिंग होती है, मतलब उसकी काफ़ी मोटी कवरिंग होती है जिसको शेल कहते हैं, जिससे कोई भी एनिमी उसको जो है छू ना पाए। जैसे कोई भी उसके पास आता है तो टॉर्टोइज जो है वो अपना शेल को अपने ऊपर डाल लेता है और टॉर्टोइज बच जाता है। सेम एनिमल्स लिव इन प्लेसेस सच एज कोल्ड पोलर रीजन एंड हॉट डेजर्ट रीजन विद एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। दीज एनिमल हैव सम स्पेशल अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब कुछ एनिमल जो है वो कोल्ड पोलर रीजन में रहते हैं, मतलब इतनी स्नो, पूरे टाइम स्नो, और कुछ एनिमल जो है वो डेजर्ट के रीजन में रहते हैं जहाँ पूरे साल गर्मी। तो ये जो है एक्सट्रीम कंडीशंस होती है ना, एक में काफ़ी ठंड, एक में काफ़ी गर्मी। तो ऐसे एनिमल्स में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी स्पेशल अडेप्टेशन होती हैं, ठीक है। अब हम जो है पढ़ते हैं, अब हम पोलर रीजन्स को पढ़ेंगे। मतलब जो पोलर रीजन होते हैं, पोलर रीजन होते हैं काफ़ी ठंड वाले एरिया। ये देखिए, ये ठंड वाली एरिया होती है जहाँ पे हर समय ऑलमोस्ट स्नो होती है, ठीक है, हर समय ऑलमोस्ट स्नो होती है। तो ऐसे एनिमल जो है वो जो है वो पोलर रीजन के एनिमल्स होते हैं। तो क्या होता है, एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन, एनिमल्स सच एज पोलर बियर, रेनडियर, मस्क ऑक्स, आर्टिक फॉक्स एंड पटरमिगन लिव इन पोलर रीजन। एनिमल्स लिविंग इन स्नो कवर्ड रीजन सच एज द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक शो द फॉलोइंग अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन द कोल्ड एनवायरमेंट। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो है एनिमल्स सच एज पोलर बियर, मतलब एनिमल जैसे कि पोलर बियर, रेनडियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स और पटरमिगन जो है वो पोलर रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। और एनिमल जो है जो स्नो कवर्ड रीजन में रहते हैं, पोलर रीजन और स्नो कवर्ड रीजन एक ही बात है, तो एनिमल जो पोलर रीजन में रहते हैं वो आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल के पास होते हैं वो रीजन्स, ठीक है। तो अब हम उनकी अडेप्टेशंस पढ़ेंगे पोलर रीजन्स के एनिमल की। एनिमल द बॉडी ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन इज कवर्ड विद लॉन्ग थिक फर, दिस कीप्स द एनिमल वार्म। मतलब जो बॉडी एनिमल्स, जो उनकी पोलर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स की बॉडी है, जो उनकी स्किन है, वो जो है लॉन्ग थिक फर से कवर्ड होती है। मतलब काफ़ी लॉन्ग, लंबे और मोटे फर, मतलब फर मतलब एक स्किन जो है वो उनको, उनके ऊपर जो है वो कवर्ड होती है उनकी स्किन, उससे उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती। दिस कीप्स देम वार्म।
Second, the bodies of birds such as ptarmigans and penguins are covered with thick and dense feathers. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि bodies of birds मतलब जो है जो ptarmigans और penguins birds है, तो ptarmigans और penguins की जो है body है वो जो है तो उनकी जो body है वो covered होती है thick, मोटे और dense मतलब घने और thick और घने फेदर से, ठीक, और घने पाड़ों से, ठीक है, इससे भी उनको गर्मी मिलती है। थर्ड है, ड्यूरिंग विंटर एनिमल सच एज बियर्स गो इन टू केव्स एंड हाइबरनेट, मतलब एनिमल ड्यूरिंग विंटर मतलब जब वहाँ पे भी विंटर होती है, जब विंटर आ जाती है तो एनिमल सच एज बियर जैसे कि पोलर मतलब एनिमल सच एज बियर जो है वो केव्स में जाते हैं मतलब वो गुफाओं में जाते हैं हाइबरनेट के लिए। हाइबरनेट क्या होता है, टू गो इन टू अ डीप स्लीप लाइक स्टेट ड्यूरिंग विंटर, मतलब एक लंबी सी पूरे विंटर्स की एक स्लीप जो है ठंड से बचने के लिए उसको हाइबरनेट कहते हैं। अब एक फैक्ट फाइल पढ़ेंगे हम, टू प्रिपेयर फॉर हाइबरनेशन एनिमल्स ईट टू गेन वेट इन द समर द एक्स्ट्रा फैट कीप देम अलाइव ड्यूरिंग विंटर, मतलब हाइबरनेशन के लिए एनिमल जो पोलर रीजन में रहते हैं वो समर में काफ़ी अपना वेट गेन कर लेते हैं मतलब अपना वेट काफ़ी बढ़ा लेते हैं खा खा के, जिससे उनको विंटर में एनर्जी मिले। ठीक है, हमने पोलर रीजन पढ़ लिया, अब हम करेंगे एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट, जो एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं वो एनिमल्स जो है क्या होते हैं। एनिमल्स सच एज कैमल एंड डेजर्ट रैबिट्स लिव इन द डेजर्ट, दे हैव स्पेशल अडेप्टेशंस दैट अलाउ देम टू सर्वाइव द हॉट एंड ड्राई कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट कैन सर्वाइव विद वेरी लिटिल वाटर, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एनिमल्स सच एज कैमल मतलब जैसे कि कैमल और डेजर्ट रैपर ये जो है वो डेजर्ट्स में ये सारे एनिमल्स रहते हैं, उनकी एक स्पेशल अडेप्टेशन होती है जो है उनको अलाउ करती है सर्वाइव करने के लिए हॉट और ड्राई कंडीशन में, उनको हेल्प करती है वो स्पेशल कंडीशंस में जब काफ़ी गर्मी होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो एनिमल्स लिविंग द डेजर्ट कैन सर्वाइव विद वेरी लिटिल वाटर, जो डेजर्ट में एनिमल्स रहते हैं वो काफ़ी कम पानी के भी जिंदा रह सकते हैं। अब इन सब के अडेप्टेशंस क्या है, डेजर्ट एनिमल्स जनरली हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट, मतलब आपको ये पता है कि जो डेजर्ट में जो है वो काफ़ी ठंडी नाइट्स होती है और काफ़ी गर्म दिन होते हैं, तो डेजर्ट एनिमल्स मतलब जो एनिमल डेजर्ट में रहते हैं उनकी काफ़ी थिक स्किन होती है, उनकी काफ़ी मोटी स्किन होती है, ऐसे फैब्रिक की स्किन होती है कि उससे उनको गर्मी नहीं लगती, उससे उनको जो है धूल जो है उनकी स्किन पर टकराने से बच जाती है। ठीक है, सेकेंड है, सम एनिमल्स लिव इन बरोज टू एस्केप फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट रैट या फिर कैंगरू रैट एंड डेजर्ट लिजर्ड, मतलब क्या है, सम एनिमल्स कुछ एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं वो बड़ों में चले जाते हैं, बड़ों मतलब वो जो है ज़मीन के नीचे एक गड्ढा खोद के उसमें रहने लग जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं कि अगर वो गड्ढे में चले जाएंगे तो गड्ढे में तो उनको गर्मी लगेगी नहीं, तो गड्ढे में गर्मी से बच जाएंगे। और ऐसा बड़ों में कौन कौन जाते हैं, डेजर्ट रैट और कैंगरू रैट एक ही बात है, देखिए डेजर्ट रैट और कैंगरू रैट एक ही बात है, ठीक है, और डेजर्ट लिजर्ड। ठीक है, अब हम पढ़े, कैमल्स हैव द फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स एज अडेप्टेशन, मतलब अभी तो हमने दूसरे एनिमल्स के बारे में पढ़ा, अब हम ये सब जो है फोर पॉइंट कैमल के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, दे हैव बशी आईब्रोज एंड टू रोज ऑफ आईलैशेस व्हिच प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग देयर आईज, मतलब जो है जैसे कैमल की बशी आईब्रोज होती है, मतलब जैसे हमारी आईब्रोज होती है उसमें कम बाल होते हैं, लेकिन कैमल्स के आईब्रोज में काफ़ी सारे बाल होते हैं और टू रोज ऑफ आई लैशेज होती है, जैसे हमारी एक आई लैश होती है, कैमल्स की दो आई लैश होती है और बशी मतलब ज़्यादा बाल वाली आईब्रोज होती है, जिससे जो है हीट उनके आँखों में ना जाए। अब है सेकंड है, दे स्टोर फैट इन देयर हम्स
which gets converted to energy when camels do not get any food. मतलब animals के देखो एक hump होता है, animal के camel के ऐसे खुटा होता होता है, ठीक है, ऐसे shape का, ठीक है, कैसे shape का, ऐसे shape का, ये देखिए ऐसे shape का एक वो होता है, हम्प होता है। उस हम्प में क्या होता है, उस हम्प में उनको फैट स्टोर होता है, मतलब वो जो भी खाते हैं वो पूरा बाकी सारे न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो फैट होता है वो उनके हम्प में स्टोर हो जाता है, और जब उनको खाना नहीं मिलता तो वही फैट एनर्जी में कन्वर्ट होके उनको एनर्जी देता है, ठीक है। थर्ड है, दे हैव padded feet so they can walk easily on sand without their feet sinking into it. मतलब जो sand होती है उसमें हमारे पैर जो है वो अंदर चले जाने लगते हैं, मतलब उसमें हमारे जो है पैर, हम अगर sand में पैर रखेंगे तो हमारे पैर मिट्टी से ढक जाएंगे, लेकिन animals की padded होती है, मतलब animals की जो है वो padded, मतलब एक feet होती है अजीब सी, उस feet से वो जो है easily sand पे walk कर पाते हैं, और उनके feet जो है वो नीचे नहीं पहुँच, सैंड में नहीं पहुँच। नेक्स्ट है, दे कैन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन वन गो एंड स्टोर द एक्स्ट्रा वाटर इन देयर बॉडी एंड सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तब वो क्या होता है, वो एक काफ़ी, अगर जैसे उनको पानी मिल गया तो काफ़ी सारा पानी एक ही बार में पी लेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे, फिर जो है जब उनको पानी नहीं मिलेगा वो उसी पानी से उनकी वो हो जाएगा, उनको पानी की कंडीशंस मिल जाएगी। नेक्स्ट है एम्फीबियन, अभी हमने एक्वेटिक एनिमल्स किया, फिर हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किया, अब हम एम्फीबियंस कर रहे हैं। एनिमल्स दैट आर अडेप्टेड टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एनिमल्स जो है वो पानी पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, सेलेमेंडर और सेकेलियंस। एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू लंग, स्किन और गिल्स। मतलब कुछ एनिमल्स लंग से ब्रीथ करते हैं, कुछ स्किन से और कुछ गिल्स से और कुछ दोनों या तीनों से, ठीक है। अब इनके अडेप्टेशन क्या है, एम्फीबियंस यूज देयर लिम्स फॉर मूवमेंट बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। शॉर्ट फ्रंट लेग्स कीप द फ्रंट पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी ऑफ द ग्राउंड एंड लॉन्गर हिंड लेग्स अलाउ टू जंप विद ईज। वेब्ड फीट हेल्प एम्फीबियंस टू स्विम इन वाटर। मतलब एम्फीबियंस के जो है वो लिम्स होते हैं, लिम मतलब जैसे हमारे लिम्स होते हैं जो हाथ और पैर, तो उनके जो लिम्स होते हैं वो उनको मूवमेंट करने में पानी और लैंड दोनों में हेल्प करते हैं। शॉर्ट फ्रंट लेग्स, मतलब उनके आगे के लेग्स, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनके आगे के लेग्स, ये हाथ मान लो इनके, ये हम इनको लेग्स बोलेंगे, तो इनके आगे के लेग्स जो है वो छोटे होते हैं और उनके पीछे और शॉर्ट फ्रंट लेग्स, ठीक है, शॉर्ट फ्रंट लेग्स कीप द फ्रंट पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी ऑफ द ग्राउंड एंड लॉन्गर हिंड लेग्स अलाउड टू जंप विद ईज। मतलब ये देखिए, ये आगे वाले छोटे पीछे वाले लंबे हैं, तो आगे के जो छोटे वाले हैं ये इनको ग्राउंड से उठा के रखते हैं जिससे गिरे ना, और जो पीछे वाले पैर हैं इनको इजीली जंप करने में मदद करते हैं। वेब्ड फीट हेल्प एम्फीबियंस टू स्विम इन वाटर। मतलब जो वेब्ड फीट है, मतलब जो इनकी फीट है, वेब्ड फीट मतलब इनके जो फीट है, वेब्ड फीट की फ़ोटो मैं डालूंगा, मैंने इसमें भी कहा था कि हाई जैसे स्टार जो है डक्स की वेब्ड फीट होती है, तो जो है मैं इसमें की भी वेब्ड फीट डाल दूंगा, ठीक है। तो इनकी वेब्ड फीट जो है इनको पानी में स्विम करने में मदद करती है। इनका सेकेंड अडेप्टेशन है, एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू द स्किन और गिल्स इन वाटर। ब्रीथिंग थ्रू द स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनस ब्रीथिंग। मतलब एम्फीबियन जो है वो लंग्स और पे लैंड से लंग्स से लैंड पे ब्रीथ करते हैं, और स्किन या गिल से वाटर में ब्रीथ करते हैं, और जब वो स्किन से ब्रीथ करते हैं तो स्किन से ब्रीथ करने को क्यूटेनस ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। थर्ड है, अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर आईलेट्स सम एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स हैव अ ट्रांसपेरेंट थर्ड आईलेट कॉल्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। दिस थर्ड आईलेट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू देयर आईज एंड अलाउ देम टू सी अंडर वाटर। मतलब जैसे हमारी रेगुलर आईलेट्स होती है, तो कुछ एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स के जो है उनका एक ट्रांसपेरेंट थर्ड आईलेट होती है, वो ट्रांसपेरेंट सी थर्ड आईलेट होती है, उसका नाम होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। दिस
This third eyelid prevents water from entering into their eyes and allows them to see underwater. मतलब ये जो eyelid है ये उनको पानी को इनके आँख के अंदर जाने से बचाती है और उनकी आईज को जो है वो पानी के अंदर दिखने में मदद करती है. अब एक फैक्ट 5, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्फीबियन इज द चाइनीज जायंट सेलामेंडर. इट कैन ग्रो अप टू अबाउट 6 feet इन लेंथ. जब दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियन है चाइनीज जायंट सेलामेंडर और ये जो है 6 feet लंबा भी हो सकता है. अब हमने एम्फीबियंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एरियल एनिमल्स. एनिमल्स डेट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स और बर्ड्स. एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं उनको एरियल एनिमल्स कहते हैं या उनको बर्ड्स कहते हैं. एग्जाम्पल जो है उनके है क्रोज, पिजन्स, स्पैरोज, पैरट्स, ईगल्स, वुडपेकर एंड सो ऑन. मतलब काफ़ी सारे बर्ड्स आर अडेप्टेड टू लिव बोथ इन एयर एंड ऑन लैंड. बर्ड जो है वो ज़मीन पे भी रह सकती है और एयर में उड़ सकते हैं. मतलब ये तो नहीं कि बर्ड जो है पूरे समय ज़मीन पे उड़ते रहे, वो हवा में उड़ते रहे, वो ज़मीन पे भी आती है. ये देखिए बर्ड्स की फ़ोटो. अब हम बर्ड्स की अडेप्टेशंस पढ़ेंगे. ऑल बर्ड्स हैव बीक्स. हर बर्ड की ऑल बर्ड्स हैव बीक्स. दिस बीक इज एन अडेप्टेशन टू सूट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड. मतलब हर बर्ड की एक बीक होती है और इस बीक से उनको अडेप्टेशन, उनका एक अडेप्टेशन ये है कि वो जो है अपनी फीडिंग हैबिट, मतलब वो बीक से ही खाते हैं. सेकेंड है, बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स एंड लाइट बोट शेप बॉडीज टू हेल्प दम फ्लाई इन द एयर. मतलब बर्ड्स की जो है हॉलो बोन्स होती है, वो एम्प्टी मतलब खाली बोन्स होती है और काफ़ी लाइट हल्की सी बोन्स होती है जो, और वो बोट शेप बॉडी होती है, मतलब उनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है जिससे वो एयर में इजीली फ्लाई कर पाए. थर्ड, देयर विंग्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स टू हेल्प देम फ्लाई. मतलब जो उनकी विंग्स होती है उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है जो उनकी पूरी बॉडी का वेट उठा सकती है. फोर्थ और आखिरी है, द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड बाय 3 types ऑफ फेदर. सॉफ्ट डाउन फेदर दैट कीप्स देम वार्म, फ्लाइट फेदर्स दैट हेल्प देम फ्लाई एंड टेल फेदर्स दैट हेल्प देम कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट. मतलब जो बर्ड्स की बॉडी है वो 3 types के फेदर से कवर होती है. पहला टाइप है सॉफ्ट डाउन फेदर. पहला है सॉफ्ट डाउन फेदर. जो सॉफ्ट डाउन फेदर क्या करता है, सॉफ्ट डाउन फेदर उनको वार्म रखता है. सेकंड है फ्लाइट फेदर. फ्लाइट फेदर जो है वो उनको उड़ने में मदद करता है. और थर्ड है टेल फेदर. टेल फेदर उनको अपनी डायरेक्शन, उड़ते हुए डायरेक्शन चेंज करने को मदद करता है. जैसे बर्ड इधर उड़ती है उसको इधर जाना है तो टेल फेदर की मदद लेगी. नेक्स्ट है, ठीक है, अब ये है इसका इंटरेस्टिंग क्या है. हमिंग बर्ड्स कैन नॉट वॉक एंड दे आर द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड. मतलब जो हमिंग बर्ड होती है, एक बर्ड होती है हमिंग बर्ड, वो ज़मीन पे वॉक नहीं कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ ओनली ही एक बर्ड है जो बैकवर्ड्स फ्लाई कर सकती है. तो बर्ड ऐसे ऐसे जाएगी, वो हमिंग बर्ड ऐसे ऐसे भी जा सकती है. ठीक है, अब आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे जो है कैमोफ्लेज. Camouflage is a special kind of adaptation in which an animal's color or shape matches its surrounding. Camouflage क्या होता है? Camouflage एक special kind की adaptation होती है जो है एक animal को color या shape change करने में मदद करती है. कि वो जैसे कोई animal यहाँ पे एक जगह पे बैठा है जो brown color की है, तो उस animal जो है वो animal brown color का हो जाएगा. This ability to change color helps an animal to hide from its enemies. The simplest camouflage is when an animal changes into a color similar to its surroundings. जो इनकी कैमोफ्लेज की एबिलिटी है ये इनको हेल्प करती है एनिमी से हाइड करने में, मतलब अपने एनिमी से बचने के लिए. और द सिंपलेस्ट कैमोफ्लेज, मतलब सबसे आसान कैमोफ्लेज वो है कि एनिमल जो है अपनी सराउंडिंग प्लेस के हिसाब से कलर चेंज कर दे. कैमेलियंस हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर बॉडी कलर टू मैच दैट ऑफ देयर सराउंडिंग. ये एबिलिटी कैमलिंस के पास होती है कि वो अब कैमोफ्लेज कर पाए, वो अपना कलर जो है सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर पाए. देखिए कैमलिन की
फोटो है. एनिमल्स सच एज पोलर बियर्स हैव स्किन और फर दैट मैचेस द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग. द वाइट कलर फर ऑफ अ पोलर बियर हाइड्स वेल इन द सराउंडिंग्स ऑफ स्नो एंड आइस. मतलब क्या होता है, जैसे पोलर बियर्स जो होते हैं, पोलर बियर्स पोलर रीजन में रहते हैं, उनका कलर भी वाइट होता है, और वो जो है आइसी और स्नोई प्लेस में रहते हैं, उनका कलर भी वाइट होता है, तो उनको छुपने में मदद करता है. ये चैप्टर खत्म होगा. मैं इस चैप्टर की फोटोज और वेब्ड फीट की फोटो, ठीक है, टेंटिकल्स की फोटो, टू फीट की फोटो, ये सब भी मैं चैप्टर्स की फोटो के साथ अडेप्ट कर दूंगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू.